सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरु जी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की HTML के क्लास में हम एडमिशन फॉर्म को बनाना सीखेंगे। एडमिशन फॉर्म किस तरीके से हम बनाएंगे और उसके कंट्रोल्स को किस तरीके से HTML पेज बनाते हुए यूज करेंगे, आइए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लिस्टिंग का यूज करते थे। आज की क्लास में हम सीखेंगे फॉर्म बनाना। अगर आपको लास्ट क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो के कमेंट्स पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। और आज की वीडियो में भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी वीडियो पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एडमिशन फॉर्म हम किस तरीके से HTML में बनाएंगे। सबसे पहले हमने कुछ बेसिक टैग्स यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम लिखते हुए आ रहे हैं अपने पुराने कोर्स में। हेडर टैग, HTML टैग, बॉडी टैग, जो कि हमारे तीन मेन टैग होते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले यूज करा एडमिशन फॉर्म और उसको हम यहाँ से सेंटर में लेना चाहते हैं। अभी अगर हम इसे कंट्रोल एस करके, जो कि मैंने लगा दिया है कंट्रोल एस, एंड F5 करते हैं रिफ्रेश के लिए, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। अब करना क्या है, हमें सेंटर कमांड का यूज करना है। और सेंटर कमांड क्योंकि हमारा एक टैग है तो हमें उसे टैग की तरह ही यहाँ से इस्तेमाल करना है और एंड ऑफ सेंटर करते हुए उसको बंद कर देना है। कंट्रोल एस से आप सेव करके इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो अप्लाई हो चुका है और हमारा पूरा की पूरा जो एडमिशन फॉर्म है वो पेज के सेंटर में शो हो रहा है। यहाँ पर अब हम कुछ कंट्रोल के लिए कुछ फील्ड्स ले लेते हैं, जैसे नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, ये सब हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने एक नेम टैग इस्तेमाल कर लिया, नेम एक कमांड डाल दी है, एक फील्ड डाल दी है। यहाँ पर हमने उसका इनपुट टाइप दे दिया है टेक्स्ट और लाइन ब्रेक के लिए हमने यहाँ से पी का इस्तेमाल कर दिया है। इस वीडियो में तो हम सिंपल देख रहे हैं और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल के अंदर हम किस तरीके से एडमिशन फॉर्म बनाएंगे जिससे वो हमारा बैलेंसिंग रहेगा, यानी कि आगे पीछे नहीं घूमेगा। फिलहाल हम यहाँ पर देख लेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वो यहाँ पे अनबैलेंसिंग है। तो सेव करने के बाद हमने यहाँ से F5 प्रेस करा। F5 प्रेस करते ही, क्योंकि हमने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा रखा है तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। अब आप जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर वो बॉक्स में आप वैल्यू डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसका साइज दे सकते हैं। साइज यहाँ पे हमने 20 मान लिया है और 20 मानने के बाद जैसे ही हमने उसे सेव करके रिफ्रेश करा तो यहाँ पर अभी नॉर्मली साइज 20 ही था, हमने यहाँ से इसे पहले 30 कर दिया। F5 से रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे कि वो साइज बढ़ चुका है। नेम के बाद हम यहाँ से फादर नेम फील्ड यूज कर लेते हैं और इसी तरीके से हम मल्टीपल फील्ड्स का यूज करते रहेंगे। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ से फादर्स नेम यूज कर लेते हैं। देन उसके बाद हम ले लेते हैं एक एड्रेस, क्योंकि एड्रेस टैग हमारा मल्टीपल लाइंस में यूज होगा तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट टाइप है वो नहीं लगेगा, हमारा यहाँ पे यूज होगा टैग टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हम रोज ले लेते हैं 1 एंड कॉलम्स यानी कि उसका जो विड्थ है वही ले लेते हैं और इसे कंट्रोल एस से सेव करा देते हैं। देन पैराग्राफ ब्रेक यहाँ से यूज कर देते हैं। कंट्रोल एस से आप देखेंगे कि एड्रेस में यहाँ पर थोड़ा सा हमारा दिक्कत हो गया है क्योंकि हमने टेक्स्ट एरिया को क्लोज नहीं करा। टेक्स्ट एरिया हमें क्लोज भी करना पड़ता है, जैसे हम उसे खोलेंगे तुरंत हमें उसे क्लोज भी करना है। कंट्रोल एस से हमने यहाँ पर सेव करा और F5 से रिफ्रेश तो यहाँ पर हमारा एंटर अब यूज हो चुका है। हम एंटर कमांड का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ से आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं जितना बड़ा करना चाहें और यहाँ से इसको लाइंस को मूव कर सकते हैं, स्क्रोल कर सकते हैं आप माउस से, आपको दिखाई देगा कि ऊपर नीचे जो भी आपने इस बॉक्स में लिखा है उसकी वैल्यू आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर और भी हम इनपुट टाइप यूज करेंगे, हम यहाँ पर सिटी एक यूज करते हैं फील्ड को और सिटी फील्ड में यहाँ पर यूज करेंगे हम अलग अलग ऑप्शंस।
ऑप्शंस हम दे देते हैं जिसमें से हमारा सिलेक्ट होगा दिल्ली, यहां से ऑप्शंस तो बंद कर देते हैं। कुछ चेंजेस हमने यहां पे करा है, आप ऑप्शंस जितने मर्जी डालना चाहे डाल सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपको ऊपर लेना है, देन आपको ऑप्शंस डाल लेना है दिल्ली, आगरा या जो भी आप डालना चाहें, उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल एस कीजिए और F5 से रिफ्रेश करेंगे तो आप यहां से सिटीज को अपडेट पाएंगे। तो यहां से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और भी इसके अंदर चीजें हैं जैसे चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कमांड बटन, वो भी हम यहां पर देखते हैं। इनपुट टाइप हम यहां पर ले लेते हैं बटन, जिसका वैल्यू हम यानी कि उस पर नाम क्या चाहते हैं वो ले सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, F5 से रिफ्रेश, तो ये सबमिट बटन यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये हमें सबसे लास्ट में चाहिए, तो आप इसके ऊपर अपडेट करते रहिए जो भी चीज डालनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन ब्रेक के लिए पैराग्राफ यूज कर देंगे और इनपुट टाइप पासवर्ड ले लेते हैं, यानी कि आप कोई पासवर्ड से रिलेटेड फील्ड डालना चाहें तो कैसे डालेंगे। कंट्रोल एस से यहाँ पर सेव कर दीजिए, और कंट्रोल एस से सेव करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कंट्रोल में पासवर्ड की तरह शो हो रहा है, हमें एक्चुअल नंबर यहाँ पर शो नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पर और भी चीजें डाल देते हैं जैसे हॉबी, इनपुट टाइप चेक बॉक्स ले लेते हैं, और आप डाल सकते हैं मल्टीपल हॉबीज, यहाँ पर क्रिकेट हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, क्रिकेट ले लेते हैं, बैडमिंटन या हॉकी, और कंट्रोल एस से सेव करने के बाद F5 करेंगे तो यहां से आप उसे चेक या अनचेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रोल्स आप बना सकते हैं। हॉबीज आपको नीचे की तरफ लाना है, पैराग्राफ टैग का हम यहां से इस्तेमाल करेंगे, और अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन हमें ऐड करानी हो तो क्वालिफिकेशन यहां पर ले लेते हैं, और क्वालिफिकेशन के बाद यहां पे इनपुट टाइप रेडियो, और उसके बाद जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक ही सिलेक्शन होगा इसलिए हम इसका नाम यहां पर दे रहे हैं। अगर हम एक ही यूज करते हैं तो हमें नेम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मल्टीपल में से एक ही सिलेक्शन करना चाहें तो यहाँ पर फिर नाम देना हमारा कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 10th, इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 12th और ग्रेजुएट। तो कंट्रोल एस से हमने इसे सेव करा और F5 से करा रिफ्रेश, तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स तो शो हो रहे हैं, लेकिन हमने कंट्रोल एस दोबारा एक बार दबा के F5 करते हैं, तो यहां पर आप 10th, 12th या ग्रेजुएट किसी में भी क्लिक करेंगे तो एक ही सिलेक्शन हो रहा है, जबकि नीचे चेकबॉक्स में आप देखेंगे कि अलग अलग आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो एडमिशन फॉर्म है ये थोड़ा सा आगे पीछे प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही चीज सीखेंगे कि टेबल के अंदर हम किस तरीके से फॉर्म बनाएंगे, और टेबल के अंदर फॉर्म बनाने से वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगा, उसमें फॉर्मेटिंग भी अच्छे से होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं फॉर्मेटिंग के साथ फॉर्म को बनाना। बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।